आज हम बनाएंगे बैगन। ये दो बैगन हमारे गार्डन में से तोड़े हुए हैं, आलू और बैगन की सब्जी। आलू हमने छील के रखा हुआ है, इनको हम धो लेंगे। इसको हमें ऐसे मोटे पीस में ही काटना है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे, जिसमें हम डालेंगे बेसन, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची, एक चम्मच दही, हम इसको अच्छी तरह से हाथ से इसको मिला लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। इसमें थोड़ा सा नमक, ये देखिए इसको 5 से 10 मिनट हो चुके हैं, ये हमारा अच्छी तरह से हो गया है। कढ़ाई पे तेल चढ़ा दिया है, इसमें हम 1 चुटकी हींग, आधा चम्मच जीरा, साबुत धनिया, अदरक और लहसुन कुटा हुआ, मिर्ची इस तरह लंबी 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 काटनी है, 4 मिर्ची, कटा हुआ टमाटर, और प्याज, गैस को हमें धीमी आंच पर ही रखना है। इसमें हम आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। हमने इसमें मसाले कम डाले हुए हैं क्योंकि हमने पहले जो मैरिनेट किया था आलू और बैंगन का, उसमें हमने मसाले डाले थे।
हम अच्छी तरह मिला लेना है। इसको हमें पाँच मिनट ऐसे ही ढक के रख देना है जिससे ये थोड़ा हल्का मिल जाए इसमें मसाला। अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। सब्जी हमारी तैयार है। इसमें हम हल्का सा गरम मसाला डालेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।